सोमवार की सुबह करीब 6 से 7 बजे के दरमियान कामठी उपलवाड़ी में पाइप कंपनी और टायर कंपनी में आग लगी। इस दौरान फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंचने की जानकारी सामने आई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने भी इस संदर्भ में अधिक जानकारी साझा की। कामठी परिसर में सोमवार की सुबह करीब 6 से 7 बजे के दरमियान पाइप कंपनी और टायर कंपनी में आग लगी। शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की जानकारी प्रत्यक्षदर्शियों ने दी। इस हादसे में किसी भी प्रकार की कोई भी जीवित हानि नहीं हुई, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है, ऐसी जानकारी भी इस दरमियान दी गई। देखिए, हम सुबह मेरे को फोन आया कि कंपनी में आग लगी हुई है, तो हम आए तो देखे तो ताला वाला तो पूरा बंद था ही, तो हमको वही 7 बजे करीब में पता चला आग लगी है। इलेक्ट्रिक के शॉर्ट से ट्रांसफार्मर शॉर्ट हुआ था, उसके से आग को फ्लो हुआ वहाँ पे। एक कंपनी हमारी इकबाल सेठ की है, पाइप कंपनी है, एक बाबा भाई की ताज करके है, KGN के नाम से उनकी टायर कंपनी है, वो दोनों पूरी जल के खाक हो गई है। घटनास्थल शहरी इलाके से दूर होने के कारण पानी की कमी महसूस हुई, लेकिन फिर भी आग पर नियंत्रण पाया गया, ऐसा मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र उचके इन्होंने बताया। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि आग को बुझाने के लिए अग्निशमन दल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कैसे जली इसका तो अभी कोई खुलासा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी कोई तहकीकात नहीं हुई है, लेकिन अभी 2 घंटे हो गए हम लोग यहाँ पर फायर फाइटिंग कर रहे हैं। एक गोडाउन से शुरुआत हुई थी और बाद में वो आग तेज़ी से बाकी के गोडाउन में फैली है। अब तक ये 3 प्रॉपर्टीज़ इसमें इन्वॉल्व नज़र आ रही हैं, और जो ओपन में जो स्क्रैप रखा हुआ है वो भी जल रहा है। मेजॉरिटी ये प्लास्टिक और टायर का ही स्क्रैप है, और अभी तक वो नाम और वो अभी हम लोगों ने प्राप्त नहीं किए हैं, लेकिन 3 एस्टेब्लिशमेंट अभी पहले से शुरुआत की इसमें नज़र आ रहे हैं। सोमवार सुबह कामठी परिसर में लगी आग में भले ही लाखों का नुकसान हुआ, लेकिन गरिमति ये रही कि किसी भी प्रकार की कोई भी जीवित हानि इस दरमियान नहीं हुई। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।